जी हाँ, आपने सही पढ़ा। अब एनपीएस में भी पूरी रकम विड्रॉल की जा सकती है, लेकिन कुछ नियमों और शर्तों के साथ में। वैसे तो आप लोग एनपीएस के बारे में जानते होंगे कि न्यू पेंशन सिस्टम क्या है, फिर भी एक ब्रीफ डिटेल दे देता हूँ कि जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं जो 2004 के बाद में अपनी नौकरी ज्वाइन किए हैं, उनको पुरानी पेंशन बंद कर दी गई है और न्यू पेंशन सिस्टम के तहत उनको पेंशन दी जाती है। तो क्या होता है ये न्यू पेंशन सिस्टम, इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो ये ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं न्यू पेंशन सिस्टम एनपीएस में जो नए नियम जारी किए गए हैं 2021 के लिए, उसके बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि एनपीएस सिस्टम में जब व्यक्ति या कर्मचारी रिटायर होता है या फिर 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर एनपीएस का खाता मैच्योर होता है, तो इसमें एक नियम ये है कि जब एनपीएस का खाता मैच्योर होगा तब रिटायरमेंट पर आपको उसमें जितना भी रकम जमा है, आपका जो पेंशन फंड जमा हुआ है, कॉर्पस जमा हुआ है, उसका 60% रकम जो है वो आपको लमसम के रूप में एकमुश्त दे दी जाती है और बाकी के जो 40% राशि है उसका आपको एन्यूटी प्लान खरीदना होता है, जिसके द्वारा आपको मंथली पेंशन मिलती रहती है, रिटायरमेंट पेंशन जिसको कहा जाता है। लेकिन इसमें एक नियम ये भी ऐड किया गया है कि यदि रिटायरमेंट पर जो आपका एनपीएस में कॉर्पस फंड बन रहा है वो यदि 5 लाख रुपए से कम है या 5 लाख रुपए तक है, तो आपको पूरी रकम निकालने की सुविधा मिलेगी। मतलब कि आपको इसमें जो मैंडेटरी एन्यूटी खरीदने की जो बाध्यता होती है 40% की, वो नहीं रहेगी। लेकिन शर्त बस यही है कि रिटायरमेंट पर जो फंड आपका बना है वो 5 लाख रुपए तक ही होगा, तो ये सुविधा मिल सकती है। अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा आपका फंड तैयार हुआ है तो आपको मैंडेटरी 40% रकम की एन्यूटी खरीदना होगा, जिससे आपको पेंशन दी जाएगी। साथ ही एक और नियम में बदलाव हुआ है कि जो अभी अगर आप प्री मेच्योर विड्रॉल करते हैं एनपीएस से, मतलब कि आप बंदे ने जो कर्मचारी था वो 60 वर्ष की आयु के पहले ही, समझ लीजिए 55 या 52 साल की उम्र में वीआरएस ले लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, तो अब जो एनपीएस खाता में पैसे जमा नहीं होंगे वो मेच्योर कराएगा, तो उस स्थिति में उसको पहले 80% तक की रकम को एन्यूटी में निवेश करना होगा और उसकी पेंशन मिल सकती है। अभी भी यही नियम है 80% एन्यूटी का। लेकिन यदि कॉर्पस फंड जो है पेंशन फंड में वो आपका 2.5 लाख रुपए तक का अगर हुआ है, तो आप पूरी रकम एक साथ अपनी विड्रॉल कर सकते हैं बिना कोई एन्यूटी प्लान में निवेश किए हुए। पहले ये जो लिमिट थी वो 1 लाख रुपए तक की थी, लेकिन अब इसे भी बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा अपडेट एनपीएस के विड्रॉल के संबंध में। ऐसे ही और जरूरी जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर जरूर कीजिएगा। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।